पकड़ लिया। बहुत अच्छे कुक। ऊप्स। ये गेम मजेदार नहीं है। कुक मेरी तरफ बॉल नहीं फेंकता। जैसे तुम मेरी फेंकी हुई बॉल पकड़ ही लोगी ना। जल्दी करो कुक, बॉल अपनी बहन की तरफ फेंको। ठीक है, शायद तुम इसे पकड़ पाओगी। अच्छा फेंका। वाह क्या बात है, तुम वो बॉल लेकर आओगे बेटा? पर वो आओ, मेरी अजीब बहन। ओ, मेरा सिर। बस यही बाकी था, बस यही होना बाकी था। ओ मेरा जूता। इसके लिए शुक्रिया मिली। ओ, तो तुम वहाँ हो। शैतान बिना बाल वाला जानवर। भूखी लड़ी है। शांत हो जाओ, आखिर बात क्या है और तुम्हारा जूता कहाँ है? बॉल कहाँ पर है? वो शैतान बिना बाल वाला गटर का चूहा, गंदी बिना बाल वाली आंखें। ओ, मिली। उसने उसे पकड़ लिया। उसने? जान, देखिए देखिए मुझे क्या मिला। है ना ये दुनिया का सबसे प्यारा कैट। एक मिनट, क्या ये बिल्ला है? ओ, क्या मैं इसे रख लूं डैडी? ओ प्लीज, क्या मैं बोलूं ना प्लीज? हाँ डैडी। इसके गले में तो कॉलर है बेटी, जरूर इसका कोई मालिक होगा। हाँ, किसी गंदे आदमी का गंदा बिल्ला। माफ करना मिली, पर हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, हमें इसके मालिक को ढूंढना होगा। ठीक है, हम इसके मालिक को ढूंढ नहीं पाए तो हम इसे रख लेंगे। शुक्रिया डैडी। और ये रही तुम्हारी बॉल। अरे मेरी मदुराई सुपर सॉकर टीम की साइन की हुई बॉल। मेरी बॉल, मेरी बॉल। बेटे इसके बारे में सोचना भी मत। पर मेरी बॉल का क्या होगा, मुझे उसे वापस लाना होगा। तुम ये अच्छी तरह जानते हो बेटे, जो कोई कभी भी उस मनसन आंटी के बगीचे में जाता है वो फिर दिखाई नहीं देता, और आज मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। जरा रुको बेटी, हो गया। लग रहे हो ना बिल्कुल हीरो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैंने इसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हैं जो मैं हर जगह लगाऊंगा। मैंने तय कर लिया है, मैं इसे बुलाऊंगी मिस्टर कैट। अच्छा नाम है मिली, पर इस घर को अपना घर समझने की जरूरत नहीं मिस्टर कैट। मैं जल्द ही तुम्हारे मालिक को ढूंढ निकालूंगा। क्या मैं और मिस्टर कैट तुम्हारी मदद करें? ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो मिस्टर कैट। हो गया। क्या बात है, आखिरकार हमारा इस गंजी गिलहरी से पीछा छूटेगा। क्या तुम्हारे पास मेरे कैट है? हाँ बिल्कुल, ये रहा। अब मम्मी जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें एक बिल्ला मिला है, मेरा डॉगी भूखा है। तुम इसे पूरा निगल सकते हो। शुक्रिया अंकल। माफ करना बेटे, पर लगता है हमें मिस्टर कैट को रखना ही होगा। अरे वाह, शुक्रिया 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 डैडी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं इसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहलाऊंगी। इस लड़की ने तो मेरे कान ही फाड़ दिए। मैं तो इसे यहाँ से निकाल कर ही रहूँगा। चलो देखते हैं तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। अरे ये तो काफी अजीब कॉलर है। आगे।
तुम इस बिल्ले से बहुत नफरत करते हो, है ना कूप? तुमने इस कॉलर को इस तरह खराब कैसे कर दिया? और ये बताओ, ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास पटाखे कहाँ से आए? मैंने कहा था डैड, वो खुद ही फट गया। हाँ चलो, अब इसे फटाफट साफ करो और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कैट, बहुत अच्छे ग्राउलर। देखे तो ये क्या है? आओ मेरे बच्चे। ओफो, अब मेरा लकी बेसबॉल भी चला गया। आहा, तो ये सारा सामान यहाँ पर रखती है। मिस्टर कैट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम एनिमल गेम्स खेलेंगे। जरा संभल के मिस्टर कैट, इस गार्डन में दिखने वाली सारी चीजें खतरनाक हो सकती है। ये कूप तो हमेशा मुसीबत को ही बुलाता है। गड़बड़ हो गई। चार, चार, हटो। ओह हेलो मिली, ये तुम्हारे पास कौन है देखे तो? हेलो नंसन आंटी, ये मेरा प्यारा बिल्ला मिस्टर कैट। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिस्टर कैट तो बहुत अच्छा है मिली, काश मैं तुम्हारे बिगड़े भाई के लिए भी यही कह पाती। ओह, ये दोनों तो एक जैसे हैं, और इनके आगे किसी के भी कुछ नहीं चलती। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पे गया है। कूप, आखिर बात क्या है? मिली का बिल्ला मेरे पीछे पड़ा है, उसने प्लान ड्रॉ किया है, मैं तो गया। बचपना छोड़ो, मिस्टर कैट ड्रॉ नहीं कर सकता, ये तो एक बिल्ला है। ये बिल्ला नहीं, ये तो कोई एलियन। पहले तो तुमने अपने बगीचे में गड्ढा बना दिया और फिर मनसन आंटी के बगीचे में घुस गए, और अब ये। पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूं कूप, पर जाओ अपने रूम में। तुम्हें क्या लगता है ग्राउलर, एंड्रू हटेला को आज थोड़ी ताजी हवा में रखें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो और प्रोफेसर एंथनी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें थॉमस थकेला के साथ रहना चाहिए। थॉमस थकेला चला गया। क्या तुम्हारा भाई उठ गया? वो तो अभी भी सो रहा है। उम्मीद है उसने तय कर लिया होगा कि मनसन आंटी। मैं देखती हूँ। मिली, नहीं। तुम तो यहाँ हो मिस्टर कैट, तुम अब तक क्या कर रहे थे? तुम्हारे प्यारे लाडले बेटे ने मेरे कमरे से खिलौना चुराया है, थॉमस थकेला का अपहरण किया है। कूप कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया है। ओह, पर ये तो सिर्फ बाएं पैर के हैं। हटो, हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। थॉमस थकेला, तुम कहाँ हो थॉमस थकेला? थॉमस थकेला। ये क्या? कूप, तुम छुप नहीं सकते। कूप, क्या तुम, क्या ये, क्या? ये मैंने नहीं किया, सच कह रहा हूँ। तुमने मेरे खिलौने चुरा कर कहाँ छुपाए हैं? क्या, मैंने आपके खिलौने नहीं चुराए? मेरे थॉमस थकेला, तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत, मेरे थॉमस को चुराया। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, मैं इसके बारे में उसे जरूर समझाऊंगा। अब तो डैडी तुम्हें किसी और परिवार को दे देंगे। तुम
मैं नहीं जानता ये सब तुम कैसे कर रहे हो। मेरा जूता? तब तुमने ये चाल ऐसे चली। हाँ ठीक है, तो मैं भी मुकाबले के लिए तैयार हूँ। तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। क्या कोई है जो मुझे यहाँ से नीचे उतारेगा? है कोई? किसी ने मेरी बुक रिपोर्ट देखी है? मुझे स्कूल में सबमिट करनी है और मुझे मिल नहीं रही। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ डेनिस, जब से वो बिल्ला आया है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लर्न हार्ली, तुम लोग कर क्या रहे हो? दोस्त, हम लोग एक डरावनी फिल्म बना रहे हैं। झूमरी तलैया का एक भयानक खूनी शैतान। वो हम डरावनी फिल्मों को एक नई पहचान देंगे। हाँ, जिसे देखकर सब लोग डर जाएंगे। हम इसे शामुजी एंड ब्रदर्स के पास भेज देंगे, जो इसे टीवी पर जरूर दिखाएंगे। दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये शामुजी ब्रदर्स कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते? उनके डरावने शोज देखकर तो अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं। जो आधी रात को आता है, जो बच्चों के लिए सोने का वक्त होता है। अगर डर ना लगे तो आज देखना चैनल 9 पर आधी रात को। हम किसी से नहीं डरते। हाँ, सिर्फ मकड़ी को छोड़कर अंधेरे से, मंसन आंटी से, चिपकली से, भेड़िए से और कॉकरोच से भी, और कभी कभी तो खुद से भी। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पूरा देख पाऊंगा। कुप डेनिस, अगर हमने ये मूवी नहीं देखी तो सब लोग हमें डरपोक कहेंगे। दर्शकों, आज रात देखना ना भूले एक डरावनी कहानी चैनल 9 पर। ये तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। वो सही कह रही है, हमें डरने की जरूरत नहीं। डेनिस, आज रात की डरावनी फिल्म के लिए आप वोट कर सकते हैं। क्या वो भूतिया बिल्ला मांसाहारी होगा? बिना खोपड़ी के काले शैतान का आक्रमण देखकर सबके पसीने छूट जाएंगे। मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। बाय कूप, बाद में मिलते हैं डेनिस। डायल करें 555-0100 इसी वक्त। मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। हर कॉल के लगेंगे सिर्फ 5 रुपए और आप जितनी बार चाहे वोट कर सकते हैं। दर्शकों, अभी वोट कीजिए। वोट करने के लिए सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। क्या कहा, सिर्फ 5 घंटे बचे हैं? रात के 12 बज जाएंगे। डैड मुझे तब तक जागने देंगे? कल स्कूल है। डैड तुम्हें ऐसी बेकार मूवी के लिए जागने नहीं देंगे। ओ अच्छा, तो फिर मैं उन्हें मनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करूँगा। नहीं, ये तो आधी रात को है, सुबह तुम्हारा स्कूल है। ये सब देखोगे तुम्हें डरावने सपने आएंगे। तुम्हें और कुछ सुनना है? नहीं, मैंने कहा था ना। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। जीतने वाली फिल्म बहुत ज्यादा वोटों से जीती है। 1 लाख से भी ज्यादा वोट आए हैं और आज की विजेता फिल्म है मांसाहारी भूतिया काला बिल्ला। चुप रहने का क्या लोगी? अच्छी तरकीब है, तुम पूरे महीने मिस्टर कैट का टॉयलेट साफ
साफ करोगे और तुम्हारा फन स्टेशन 2000 गेम। फन स्टेशन नहीं, मेरा कैप्टन ब्लास्टरॉइड एक्शन फिगर कैसा रहेगा? 3 हफ्ते टॉयलेट साफ करोगे। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते 3 दिन और 12 घंटे नहीं तो मैं डैड को बुलाती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपने बुरे सपनों का मजा लेना। चलो मिस्टर कैट, सोने का वक्त हो गया। भूतिया 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 बिल्ला, ओ दूर हटो। क्या वो क्या था? दैट, दैट, दैट। मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। डरो मत, वो सिर्फ एक मूवी थी। लगता है मेरा वहम था। ठीक है, मुझे लगता है वो हवा का झोंका था। शूटिंग शुरू करते हैं। पूजा बिल्ला, पूजा बिल्ला, पूजा बिल्ला, बढ़िया, हमें नया सुपरस्टार मिल गया। मुझे डेनिस को फोन करना चाहिए। डेनिस, डेनिस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे घर में एक भूतिया बिल्ला है, बिल्कुल वही मूवी की तरह। डेनिस, तुम कौन हो? अपनी पहचान तो बताओ, मुझे कोड वर्ड में बताना। जरा जल्दी बताओ। ब्लैक रेंजर में व्हाइट रेंजर बात कर रहा हूँ। वाकई मैं हूँ डेनिस, बात करो। बहुत डरावनी मूवी थी, है ना? ओवर। मूवी को भूल जाओ। सुनो, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही भूतिया बिल्ला देखा है, पर लगता है उनका पूरा गैंग है। ओवर। एक भूतिया बिल्ला आसपास के सभी बिल्लों को भूतिया बना सकता है। ओवर। हाँ, शायद उसने मिली के बिल्ले को भी इन्फेक्ट किया है। ओवर। भूता है। क्या? कौन? तुम्हारा बिल्ला। वो तो मेरे साथ इधर है। ओके केरी, अब तुम्हारी कॉस्ट्यूम पार्टी खत्म हुई। उसे बिल्कुल मत उठाना। जब से तुमने उसे वो डरावनी मूवी दिखाई है, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। वो यहाँ पूरी रात था? और नहीं तो क्या, पूरी रात। मैंने क्या? वो तुम अगर खतरनाक मांसाहारी भूतिया बिल्ला नहीं हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यहाँ सिर्फ एक बिल्ला नहीं, यहाँ पूरी आर्मी है और वो सारे मेरे पीछे है। कूप, तुम्हें पता है ना भूतिया बिल्ले को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है? जैसा मूवी में दिखाया था, उसके काले दिल पर एक लकड़ी के टुकड़े से मार, या उसका मुंह लहसुन से भर दो, इस तरह उसका सर फट जाएगा। जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ, तुम बुरे दिन वाले भूतिया बिल्ले। अब तुम लहसुन खाओ शैतानी बिल्ले। तुमने वो डरावनी पिक्चर देखी है ना? मैंने कितनी बार फोन किया?
96,840 बार। हर एक कॉल का कितना हुआ? मैं देखता हूँ। हे जेनिस, तुम कैसे हो? तो देखो, बिल्ली के साथ एक जिंदा लाश। ये सब क्या हो रहा है? कल रात क्या परफॉर्मेंस थी कूप, असली मूवी से भी ज्यादा अच्छी। हाँ? खुद ही देख लो। पूजा बिल्ला, पूजा बिल्ला, पूजा बिल्ला, अब मैं उस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा। कूप, तुमने कल रात मिस्टर कैट के साथ क्या किया? वो पूरा मिट्टी से मैला है। सही कहा मिली, उसे नहलाने की जरूरत है। क्यों ना तुम उसे नहला दो? अच्छा आइडिया है कूप। इसके बाद तुम एकदम साफ हो जाओगे मिस्टर कैट। जरा इस भीगे बिल्ली को तो देखो,